और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर हैं और ये सीधा उत्तरकाशी से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उत्तरकाशी में इस वक्त मौजूद हैं मनीष सिसोदिया। ये देखिए एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और मंच पर इस वक्त मनीष सिसोदिया को आप देख सकते हैं। और उनके बगल में रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को भी आप देख रहे हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। और ये आप महिलाओं को भी देख रहे हैं मंच पर, शायद ज्ञापन अपना वो सौंप रही हैं मनीष सिसोदिया के सामने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर, और उनको आश्वस्त करते हुए मनीष सिसोदिया कर्नल रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल भी इस वक्त मंच पर आसीन है। मिशन उत्तराखंड नव निर्माण के तहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन, आपने अभी अपने जोशीले नारों से और जन कवियों की उन महान कविताओं से वापस आंदोलनों के दिनों की याद दिला दी। मैं भी उत्तरकाशी में करीब 10 साल पहले अन्ना आंदोलन की तैयारियां जब कर रहे थे उस वक्त आया था, उसके बाद अब आने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। एक बार जोरदार नारा लगा के फिर से बता दीजिए कि वो जोश जिसका जिक्र पुष्पा बहन कर रही थी, जिस जोश के दम पे आपने देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार को झुका के अलग उत्तराखंड राज्य बनाया था, वो कायम है कि नहीं है? भारत माता की। कुछ लोगों को लगता है कि जोश की जरूरत नहीं है, है। ऐसा नहीं है कि बाजू वाला हाथ उठा दे और जोश दिखा दे और अपना काम हो जाए। ये बाजू वाले के हम चक्कर में रह गए, इसी चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस वाले पूरा फायदा उठा गए उत्तराखंड बनने के बाद भी। भारत माता की, ये हुई ना बात। अभी अभी इससे पहले पुष्पा जी ने और कर्नल कोटियाल जी ने बहुत सारी चीजें रखी। मैं आप सबके बीच में यही खुशखबरी लेकर आया था कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आने वाले चुनाव से पहले अपना सबसे पहला कैंडिडेट जिसको डिक्लेयर किया है और जिस सीट से डिक्लेयर किया है वो आपकी सीट है और उस कैंडिडेट का नाम है कर्नल अजय कोठियाल। प्रभारी सब जगह बनाए हुए हैं लेकिन ऑफिशियली किसी नेता को पहला कैंडिडेट यहां से डिक्लेयर किया है तो